Welcome to my channel Vedanta Computer Institute Parli Gunj. Let's start. Hello friends, Vedanta Computer Institute के YouTube channel पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग कीबोर्ड को समाप्त कर चुके थे, यानी कि कीबोर्ड का टोटल तीन वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कीबोर्ड का संपूर्ण विवरण बताया गया है। तो कंप्यूटर के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री मतलब इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास। ऐसे इतिहास किसी चीज़ का काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन कंप्यूटर का इतिहास में हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं, ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, संक्षिप्त इतिहास कंप्यूटर के बारे में। तो इस इतिहास को जानने से पहले हम एक शब्द का खंडन करते हैं जिसका नाम है हिस्ट्री। इस हिस्ट्री को यदि हम दो भाग में तोड़े तो तोड़ने के बाद अलग अलग शब्द को निकालिएगा तो बनता है एच आई, एक होता है स्टोरी, एच आई प्लस स्टोरी, मतलब कि इस हिस्ट्री में स्टोरी शब्द छुपा हुआ है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्टोरी का मतलब क्या होता है और हिस्ट्री का क्या मतलब होता है। तो जनरली तौर पे दोनों में कोई आपसे अंतर पूछे कि हिस्ट्री और स्टोरी में क्या अंतर है, तो ऐसे ही हिंदी नहीं बताना है कि हिस्ट्री माने इतिहास और स्टोरी माने कहानी। तो यह डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है। हम लोग अंतर देखेंगे कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है और स्टोरी का मतलब क्या होता है। तो जनरली तौर पे कहानी किसको कहते हैं, इतिहास किसको कहते हैं, दोनों को एक शब्द में डिफाइन किया जाए तो दोनों का परिभाषा एक ही निकलता है कि बीता हुआ जो बात है, बीता हुआ घटना को इतिहास भी कहा जाता है और बीता हुआ घटना को स्टोरी भी कहा जाता है। यदि तिथि के साथ, तिथि मतलब हुआ डेट एंड टाइम, तो तिथि के साथ यदि किसी घटना का जिक्र किया जाए तो वैसे घटना को हिस्ट्री कहते हैं, और बिना तिथि का आ जाए, कोई डेट एंड टाइम नहीं रहे, घटना का जिक्र हो लेकिन तिथि नहीं हो, तब ऐसे घटना को स्टोरी कहते हैं। तो यह था संक्षिप्त इंट्रो किसके बारे में, हिस्ट्री और स्टोरी के बारे में, कि हिस्ट्री क्या है, स्टोरी क्या है। कंप्यूटर का कहानी यह है कि सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण कब किया गया, कब नहीं किया गया। तो तिथि जब दे देना तो इतिहास, तो हमको यहाँ पे इतिहास पढ़ना है न कि कहानी पढ़ना है। तो कहानी को हटा दीजिए और अब चलते हैं टॉपिक पर जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के इतिहास में हम लोग को जानना यह है कि अभी हमारे पास जो कंप्यूटर है, क्या यह कंप्यूटर शुरू से ऐसे ही आते जा रहा है या दिन पर दिन बदलाव हो रहा है। तो जनरली तौर पर जी का नाम हम लोग सब लोग जानते होंगे, सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं 2G, 2G के बाद आता है 3G, 3G के बाद आता है 4G और 4G के बाद आएगा 5G। लेकिन बिना 1 के 2 कैसे होगा, तो सबसे पहले आया होगा 1G। हम लोग के बीच इंडिया में नहीं आया था, इंडिया में सबसे पहले 2G लॉन्च हुआ। तो 2G से पहले 1G, 1G के बाद 2, तब 3, तब 4 और आने वाले समय में 5G। तो यहाँ पे जी का मतलब होता है जेनरेशन। जी का मतलब जनरेशन, जिसे हिंदी में पीढ़ी बोला जाता है। तो जिस तरह सिम में हम लोग अभी 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह कंप्यूटर में भी अभी हम लोग 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्यूटर के सेक्टर में हम लोग अभी 5G यूज कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन के सेक्टर में 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब 5G हम कंप्यूटर में चला रहे हैं तो इससे पहले 4G होगा, 4G से पहले 3G और 3G से पहले 2G और 2G से पहले 1G। तो अब यहाँ पे हमें सीखना है, अभी जस्ट बताए थे कि ईयर का चर्चा ज़रूर करना है, क्योंकि यदि हम वर्ष का चर्चा नहीं करेंगे तो इतिहास नहीं कहानी हो जाएगा। जैसे कि बोला जाए कि सबसे पहला जनरेशन का कंप्यूटर साइज में बहुत बड़ा होता था, इतना बड़ा होता था कि एक कंप्यूटर को इस्टेब्लिश करने के लिए, लगाने के लिए 400 square feet का कमरा चाहिए था, तब हम लोग कंप्यूटर असेंबल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो अभी जो बताया गया उसमें तिथि का कोई जिक्र नहीं था, इसका मतलब वह कहानी था। लेकिन हमको यहाँ पे पढ़ना है फर्स्ट जनरेशन कब आया, उसमें कौन सा तकनीक लगाया गया, उसमें मेमोरी के तौर पे क्या उपयोग किया जाता था। तो पांचों जनरेशन को अभी हम लोग देखेंगे। जनरेशन मतलब पीढ़ी।
तो स्टेटमेंट में न लिख करके एक टेबल बनाया जा रहा है, और इस टेबल को ध्यान से देखेंगे, एक टेबल है जिसको चार कॉलम में बांटना है। कॉलम रो समझते होंगे, ऊपर से नीचे जो लाइन आता है इसको कॉलम बोला जाता है, और लेफ्ट से राइट जो जाता है उसको रो बोला जाता है। यही एक टेबल है, टेबल का कॉलम टोटल चार और रो छः, पहले सी तब आर, यानी सी इंटू आर, टेबल का नामकरण ऐसे ही किया जाता है। आगे के क्लास में एमएस वर्ड पढ़ाई होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किसी टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं। कभी भी यदि लिखा रहा है 4x7, तो पहले वाला को समझना है सी और बाद वाला को आर। सी का मतलब कॉलम और आर का मतलब रो। तो यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है 4x6 का, मतलब 4 कॉलम और 6 रो। और इसी टेबल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर का जेनरेशन। पहला जो कॉलम है इसमें हम लोग लिखेंगे जेनरेशन, दूसरा कॉलम में लिखेंगे ईयर, तीसरा कॉलम में टेक्नोलॉजी, और चौथा कॉलम में मेमोरी। यही चार चीज़ हमको पढ़ना है कि कौन सा जेनरेशन कब आया, उस जेनरेशन को चलाने के लिए उस कंप्यूटर में कौन सा तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, कौन सा टेक्नोलॉजी लगाया जाता था, और डाटा स्टोर करने के लिए कौन सा जेनरेशन में कौन सा मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता था। तो अभी हम जैसा कि बताएं कि टोटल हमारे पास 1G से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, 5G तक। तो जेनरेशन में सबसे पहला जो होगा वो होगा फर्स्ट जेनरेशन, उसके बाद सेकेंड जनरेशन, उसके बाद थर्ड जनरेशन, उसके बाद फोर्थ जनरेशन, और उसके बाद फिफ्थ जनरेशन। कोई पूछे कि अभी हम लोग के पास कौन सा कंप्यूटर है किस जनरेशन का, तो अभी सबसे अंत में हम लोग का अभी पहुँचे हैं 5वां तक। तो पहला से शुरू हुआ, 5वां तक गया, और अभी हम लोग फिफ्थ जनरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन कि कौन जनरेशन कब आया, इसको याद करने के लिए एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे देखेंगे, जनरली यदि जीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया, तो आंसर बताना है 1946। लेकिन जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, यानी जिसको जमाना बोलते हैं, वंशज बोलते हैं। और जनरेशन एक अवधि का होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि दादा का जमाना था, तो 1 तो होगा नहीं, दादा का जमाना था इसका मतलब 10, 15, 20। पापा का जमाना था तो 1 होगा नहीं। तो जनरेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे ईयर्स का इंटरवल को हम लोग जनरेशन बोलते हैं। तो बस एक आपको याद करना है, कंप्यूटर की शुरुआत न्यू जो है ना, 1945 ईस्वी में रखा गया था, 1945 से पहला जनरेशन का शुरुआत हुआ। और प्रत्येक जनरेशन में 10 साल का गैप करना है, बस इतना याद रखिए। आपको पूरा का ईयर याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट। सबसे पहला कंसेप्ट कि 1945 से शुरू करना है और 10 वर्ष का गैप रखना है, सब में 10-10 वर्ष का अंतराल रहेगा, सिर्फ यही कंसेप्ट याद रखना है। तो सबसे पहले हम बोले कि सबसे पहला जनरेशन 1945 से शुरू होगा और 10-10 वर्ष का रहेगा अंतराल, तो 45 और 10 55। तो कोई पूछे कि पहला जनरेशन का ईयर कब से कब तक, तो क्या हो जाएगा 45 से, यानी 1945 से लेकर के और 1955 तक। बताए हैं कि सब में 10-10 का गैप, तो दूसरा हो जाएगा 55 से लेकर के और 65 तक, फिर तीसरा हो जाएगा 65 से लेकर के और 75 तक, चौथा हो जाएगा 75 से लेकर के, क्या होना चाहिए, 75 और 10 85, 45 10 55, 55 10 65, 65 10 75, 75 10 85, चौथा तक हो गया। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक याद रखना है 45, सब में 10-10 बढ़ा बढ़ा के लिखते जाइए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 85 नहीं 89 होना चाहिए। तो मन में सवाल आ रहा होगा, इधर देखिए अब कि सर आप अभी जस्ट बताएं कि सब में 10-10 साल का अंतराल, तो फिर चौथा में 14 साल का कहाँ कर दिए। तो जब कभी भी कोई बड़ा चेंज होता है,
तो उसमें हम लोग को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। घरे रोज़ रोटी सब्जी बनता है तो रोटी सब्जी बनाने में मान लिया जाए कि एक घंटा रोज़ लगता था, किसी कारणवश आज खीर बनाने का बारी आ गया, स्पेशल डे था, तो एक एक घंटा लगेगा कि थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा लगेगा, रोटी सब्जी तो एक घंटा में बनेगा, 15 मिनट और लग जाए, 20 मिनट और लग जाए खीर बनाने में, तो वही हो जाएगा 1 घंटा 30 मिनट। तो सब में जनरल चेंजिंग हो रहा था, 10-10 साल हो रहा था, जनरेशन बदल दिया जा रहा था, कोई खास चेंजिंग नहीं हो रहा था। लेकिन कंप्यूटर इतिहास में सबसे पहली बार मल्टी विंडोज सिस्टम को फोर्थ जनरेशन में लॉन्च किया गया, और ये बहुत बड़ा चेंज है। अभी हम बताएंगे कि मल्टी विंडोज होता क्या है। ऐसे जनरली सब में 10-10 साल का गैप, लेकिन याद रखना है चौथा में 4 साल ज़्यादा, बस कुछ नहीं, सब में 10-10 साल का अंतराल, लेकिन चौथा में 4 साल ज़्यादा, तब 75-10-85 या चौथा में 4 साल ज़्यादा। सब में नहीं जोड़ देना है कि पहला में 1 साल ज़्यादा, दूसरा में 2 साल, ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ चौथा में 4 साल ज़्यादा तब 85 या 4 89। कोई क्वेश्चन पूछे कि सब में 10 साल तो इनमें 4 साल ज़्यादा का है, तो रीजन बताना है क्योंकि चौथा जनरेशन में सबसे पहली बार मल्टी विंडो सिस्टम को लॉन्च किया गया था, इसीलिए इसमें 4 साल ज़्यादा लगा। क्वेश्चन उठता है कि सर मल्टी विंडोज़ क्या होता है, तो एक होता है सिंगल और एक होता है मल्टी। सिंगल का मतलब होता है एक, और मल्टी मतलब होता है एक से अधिक। सिंगल मतलब एक और मल्टी मतलब एक से अधिक। यदि पहले का मोबाइल फ़ोन देखा जाए, मोबाइल फ़ोन सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है क्योंकि हर घर में होता है, कंप्यूटर भले ना रहे लेकिन मोबाइल ज़रूर रहता है। तो पहले का मोबाइल फ़ोन सिंगल यूजर होता था, सिंगल विंडोज होता था। सिंगल विंडोज का मतलब एक बार में एक काम होगा, और मल्टी विंडोज का मतलब एक बार में अनेक काम होगा। तो पहले का मोबाइल फ़ोन पर हम लोग एक बार में एक एक काम करते थे। यदि हम किसी को, हम ब्लूटूथ से गाना भेज रहे हैं ना, आ किसी का कॉल आ जाता था तो वो गाना फेल नहीं जाता था, इसका मतलब कि एक बार में एक काम। लेकिन आजकल का मोबाइल फ़ोन मल्टी विंडोज होता है, एक बार में बहुत सारा काम, जैसे कि डाउनलोड करते रहिए, फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, उधर अपलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, इधर आप गाना भी सुनते रहिए और व्हाट्सअप पर चैटिंग भी करते रहिए, तो एक बार में कितना काम, 4 गो। तो वैसा सिस्टम जिसके तहत एक से अधिक काम को एक बार में किया जाए उसको बोला जाता है मल्टी विंडोज। तो मल्टी विंडोज, कोई पूछे कि सबसे पहली बार मल्टी विंडो सिस्टम कौन जनरेशन में आया था, आंसर क्या होगा, फोर्थ जनरेशन। कब आया था, 75 से 89 के बीच में। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला 45-55, दूसरा 55 से 65, तीसरा 65 से 75, चौथा 75 से 89, और अभी चल कौन रहा है पचमा, तो पचमा हो जाएगा 89 से टिल डेट। टिल डेट का मतलब होता है अभी तक, क्योंकि पचमा के बाद अभी तक नहीं आया है, अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पचमा ही ना। तो 89 से लेके अभी तक जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वह है आपका कौन सा जनरेशन, पचमा। तो आशा करते हैं ईयर सबको याद हो गया होगा, पहला 45 से 55, दूसरा 55 से 65, तीसरा 65 से 75, और चौथा 75 से 85 कि 89, 89 और पाँचवा 89 से अभी तक। यह हो गया कौन जनरेशन कब आया। अब हमको पढ़ना है टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक। कोई भी उपकरण को बनाने में, कोई भी उपकरण को रन कराने के लिए उसमें एक तकनीक लगाया जाता है। जैसे कि रेडियो का नाम सुने होंगे तो उसमें ट्रांजिस्टर लगल होता है, टीवी सब होता है, टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इस सब में आईसी लगा हुआ होता है। तो कंप्यूटर में कौन कौन सा जनरेशन में कौन सा तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पहला जो जनरेशन था उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, यह एक टेक्नोलॉजी का नाम है, वैक्यूम ट्यूब। दूसरा जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, तीसरा में आईसी का इस्तेमाल किया गया, और आईसी का ही दूसरा नाम है एसएसआई। चौथा जनरेशन में वीएलएसआई, और पांचवा में यूएलएसआई। यह सब टेक्नोलॉजी का नाम है, शॉर्ट में लिखा गया है, टेबल कंप्लीट करने के बाद सबका फुल फॉर्म भी लिखवा दिया जाएगा। अब आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जब कोई काम होता था तो हम लोग अपना डाटा को किस उपकरण में स्टोर करते थे।
स्टोर मतलब होता है जमा करना। एग्जाम्पल, पहला जनरेशन के कंप्यूटर पे कैलकुलेशन हुआ तो उस कैलकुलेशन को जमा किसी न किसी उपकरण में किया जाता होगा। तो जिस उपकरण में, जिस डिवाइस में हम लोग किसी चीज़ को जमा करते हैं उसको मेमोरी यूनिट बोला जाता है। जैसे कि दादा का ज़माना था तो कपड़ा, रुपया, पैसा, बर्तन स्टोर करने के लिए काठ का बक्सा का इस्तेमाल किया जाता था। पापा का ज़माना आया तो टीन का बक्सा हो गया, अब मेरा ज़माना आया ना तो गोदरेज हो गया। तो जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है तो स्टोर करने का इकाई जो है चेंज हो रहा है। तो जब हम लोग के लाइफ में चेंज हो रहा है तो कंप्यूटर का भी चेंज होगा कि हर हमेशा एक ही इस्तेमाल होगा। तो अभी जैसे कि बताएं, दादा के ज़माना में काठ के बक्सा, पापा के ज़माना में टीना के बक्सा, मेरा ज़माना में गोदरेज, तो कंप्यूटर में कैसे एक रहेगा। जैसे जैसे ज़माना चेंज होगा, जैसे जैसे जनरेशन चेंज होगा, तो स्टोरेज यूनिट भी यानी मेमोरी यूनिट भी चेंज होगा। तो सबसे पहला जनरेशन में डाटा स्टोर करने के लिए PCR नाम का एक उपकरण था, फुल फॉर्म होता है पंच कार्ड रीडर। PCR नाम का एक उपकरण था जिसका इस्तेमाल डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता था। कब? फर्स्ट जनरेशन में, 45 से 55 के बीच में। लेकिन 1952 में एक नया यूनिट बनाया गया, नया स्टोरेज डिवाइस को तैयार किया गया जिसका नाम पड़ा मैग्नेटिक टेप, 1952 में। तो अब बताइए, जब 1952 में बन गया मैग्नेटिक टेप तो बना के रखा रहेगा का कि अगला जनरेशन में लॉन्च करेंगे? खाना बन करके घरे रखाल है, भूख लगा है तो इंतज़ार करेंगे कि रात के खाएंगे कि जब रेडी है तो तुरंत अप्लाई कर दो यानी कि लगा दो? तो जब बना हुआ है तो क्यों नहीं इसको लगा दो? तो 1952 में बन के तैयार हो गया तो बताइए कौन जनरेशन में लगेगा? 1952 पहला कि दूसरा में आएगा? तो 55 आप 45 के बीच ही में ना है 52। तो पहला जनरेशन में डाटा रखने के लिए दो उपकरण का इस्तेमाल किया गया, एक का नाम PCR तो दूसरा का नाम मैग्नेटिक टेप। दूसरा जनरेशन में भी सेम टू सेम इसी उपकरण को फिर से रिलॉन्च कर दिया गया कि अभी नया नहीं बनेगा, चलो अभी यही से काम चलाओ। किसको से? मैग्नेटिक टेप से। तो याद आपको ऐसे नहीं करना है, हम बताएंगे कैसे करना है। तो पहला में PCR और मैग्नेटिक टेप, दूसरा में भी मैग्नेटिक टेप, तीसरा में चेंज हो गया। अभी हम बोले कि ये तो पहला ज़माना था, दादा का ज़माना, पापा का, फिर मेरा, तो चेंज होना वाजिब है। तो दूसरा, पहला में PCR, दूसरा मैग्नेटिक टेप, तीसरा में मैग्नेटिक डिस्क आ गया, चौथा में भी मैग्नेटिक डिस्क ही रहा और पाँचवा में चिप आ गया। पहला, अब याद कैसे करना है? तो एकदम सिंपल भाषा में, पहला दूसरा टेप, तीसरा चौथा डिस्क और पाँचवा में चिप। पहला दूसरा टेप, तीसरा चौथा डिस्क और पाँचवा में चिप। अब याद आपको भी असली होगा कि डिस्क है तो मैग्नेटिक जोड़ देना है, टेप है तो मैग्नेटिक जोड़ देना है। तो पहला दूसरा टेप, तीसरा चौथा डिस्क और पाँचवा में चिप, यही आपका पूरा जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। एक बार फिर से देख लेंगे, मोबाइल में स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए और देख करके बाद में उसको आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि सर ये मैग्नेटिक टेप क्या होता है और मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है। तो उतार लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं और बाद में इसको अपना कॉपी में लिख लेंगे। तो जनरेशन में हम लोग अभी देख चुके हैं कि टोटल जनरेशन में 5 जनरेशन होते हैं, पहला से लेकर पाँचवा तक। पहला जनरेशन 45 से 55, दूसरा जनरेशन 55-65, तीसरा 65-75, चौथा 75-89। अब यहाँ पे 3 टर्म आया था, सबसे पहला कि मैग्नेटिक टेप क्या होता है और दूसरा मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है। कुछ खास नहीं है, ऑडियो कैसेट को मैग्नेटिक टेप बोला जाता है और CD DVD का जो कैसेट होता है ना उसको डिस्क बोला जाता है। सब लोग देखे होंगे ऑडियो कैसेट रील वाला, तो रील जो होता है ना उसी को टेप बोला जाता है, और CD हम लोग CD कैसेट देखे होंगे उसको डिस्क बोला जाता है। यह डिस्क दो तरह का होता है, एक CD और दूसरा DVD। CD का स्टोरेज 650 MB होता है जबकि DVD का स्टोरेज 4.7 GB होता है।
तो ज़्यादा कौन 650 एमबी की 4.7 GB। तो यूनिट डिजिट देखेंगे ना तो यही ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यूनिट देखेंगे ना तो एमबी जीबी 1024 एमबी में 1 GB होता है। ये आगे के क्लास में आपको मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में स्टोरेज पढ़ाया जाएगा, उसमें एक फ्लो चार्ट है कितना में कितना होता है। तो खुद से देख लीजिए जीबी में है, तो यानी कि एमबी में बदलने के लिए 1024 से गुना करेंगे तब जाके एमबी में बदलेगा। कम डाटा रखाता था इसीलिए चौथा जनरेशन में नाम वही है लेकिन स्टोरेज क्षमता बढ़ गया है। तो यहाँ तक जनरेशन क्लियर है। और पूरे जनरेशन में हम लोग कुछ शॉर्ट फॉर्म देखे थे, उसका फुल फॉर्म भी नोट कर लेंगे। एक था आईसी, एक था एसएसआई, एक था वीएलएसआई, एक था यूएलएसआई, यूएलएसआई और एक था पीसीआर। अभी जो टेबल बताया गया उस टेबल में यह 5 शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। आईसी इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। एसएसआई इसका होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पीसीआर पंच कार्ड रीडर। इसको नोट कर लेंगे। टेबल में 5 को शॉर्ट फॉर्म आया था, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई तो यू से अल्ट्रा बाकी सब सेम, पीसीआर पंच कार्ड रीडर। यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद 3 गो पॉइंट है कि हिस्ट्री में इसके अतिरिक्त जनरेशन तो हो गया लेकिन इसके अतिरिक्त 3 पॉइंट और आपको याद रखना है, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है कंप्यूटर का फादर किसको कहते हैं, दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर का मदर किसको कहते हैं। कंप्यूटर का फादर और दूसरा कंप्यूटर का मदर कहते हैं तो क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले फादर तो एक ऐसा शब्द है जो आजकल बच्चा बच्चा को याद रहता है, यूकेजी के क्लासेस से सीबीएसई स्कूल में रट्टा मरवाया जाता है कि याद कर लो कंप्यूटर के फादर कौन है। तो फादर उसको कहते हैं जो किसी चीज़ का निर्माण करे, जो जिसका खोज करता है उसी को सम्मानित करने के लिए हम लोग उसको फादर बोल देते हैं। तो कंप्यूटर का फादर बोला जाता है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज क्यों बोलते हैं ये तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि चार्ल्स बैबेज सबसे पहली बार कंप्यूटर का निर्माण किए थे, इसीलिए चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का फादर, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन अब ये नहीं, यह है कि मदर किसको कहते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि फादर के वाइफ को मदर बोल दिए, यानी चार्ल्स बैबेज के वाइफ को मदर बोल दो तो गलत है। मदर किसको बोलेंगे तो सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पर है कि मदर है यानी कि कोई लेडी होगी और नाम है उनका लेडी एडी लवलेस अगस्टा। इतना बड़ा नाम है लेडी एडी लवलेस अगस्टा, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग सिर्फ इसको याद रखेंगे एडी अगस्टा। कोई पूछे कि कंप्यूटर का मदर किसको बोलते हैं तो एडी अगस्टा, जैसे महात्मा गांधी के कैसे सब कहता है गांधी जी निक नेम, नहीं तो महात्मा गांधी पूरा नाम याद कीजिए तब मोहनदास करमचंद्र गांधी, तो उसी तरह इसका है पूरा नाम है लेडी एडी लवलेस अगस्टा, बोलचाल की भाषा में याद रखना है एडी अगस्टा। तो अब क्वेश्चन पूछ दे कि आखिर एडी अगस्टा को मदर क्यों कहते हैं, तो यहू बनाई थी का कंप्यूटर, बार बार एक ही चीज़ बनेगा, एक बार तो बन ही गया था। तो बनाने वाला का नाम चार्ल्स बैबेज, लेकिन क्वेश्चन जब कंप्यूटर बताए थे फर्स्ट वीडियो मेरा देखिएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसमें आपको बताया गया था कि कंप्यूटर का निर्माण इंटरनेट चलाने के लिए नहीं किया गया था, गाना सुनने के लिए नहीं किया गया था, टाइपिंग करने के लिए नहीं किया गया था, सिर्फ और सिर्फ गणना करने के लिए किया गया था।
बाद में इसका उपयोग बढ़ते गया और आज हम लोग दुनिया का हर एक काम इससे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गणना करने के लिए किया गया था, बाद में यूज बढ़ गया। तो चार्ल्स बैबेज क्या किए थे ना कि 1946 में जो कंप्यूटर बनाए थे उस कंप्यूटर पे खाली कैलकुलेशन होता था, लेकिन बाद में यूज इसका बढ़ गया। और ये जो पहली महिला थी एडी अगस्ता, ये सबसे पहली बार कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाई। और बिना प्रोग्राम का कभी कोई काम नहीं हो सकता है। आप मोबाइल फ़ोन खरीद लो, उसमें कोई एप्लीकेशन मत रखो, मोबाइल का उपयोग होगा कुछ नहीं होगा। तो कंप्यूटर खरीद लिए, प्रोग्राम है ये नहीं था, तो खाली कैलकुलेशन करता था। तो बाद में ये पहली महिला थी एडी अगस्ता जो दुनिया में सबसे पहली बार प्रोग्राम बनाई थी, इसीलिए एडी अगस्ता को फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे दूदू को क्वेश्चन हम लोग सीख गए। कोई पूछेगा कि पहली मदर ऑफ कंप्यूटर, तब भी एडी अगस्ता। और कोई पूछेगा कि पहली महिला जो प्रोग्राम बनाई थी, तब भी आंसर क्या हो जाएगा, एडी अगस्ता। तो यही था आपका संक्षिप्त हिस्ट्री कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर में फादर कौन मदर कौन। और बाकी कुछ यदि जानना है तो कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कीजिए, रिप्लाई करेंगे। कुछ लोग का कमेंट आया था पिछला वीडियो को देख करके कि सर ये चीज़ बताइए, तो हम कमेंट के सेक्शन से ही उसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो अगला वीडियो में हम कुछ खास चीज़ को लेकर के मिलेंगे थ्योरी से हट करके। तो बने रहेंगे हमारा यूट्यूब चैनल वेदांता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।